मैं मंजूर राही नेशनल न्यूज चैनल की तरफ से अपना प्रोग्राम फन और फनकार के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हजरात, फन और फनकार प्रोग्राम फनून लतीफ़ा से मुंसलिक है। फन और फनकार की कदरदान जब तक नहीं होंगे फन को जला नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमारी बहुत सी शख्सियात हैं जो पेंटिंग्स को समझती हैं, गायकी को समझती हैं, मौसीकी को समझती हैं, राग रंग को समझती हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। ये सिर्फ खुदावन की अता होती है, वो कदरदानों को पैदा करता है जो इन फनून लतीफ़ों को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है ऐसी शख्सियत है जो फनून लतीफ़ा के कदरदान हैं, मौसीकी से लेके फनून लतीफ़ा के तमाम असलाफ से दादे तहसीन रखने की हक रखते हैं और बड़े फराख दिली से दादे तहसीन देते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। ये जनाब शोबे सहाफत से इनका गहरा ताल्लुक है, फन के कदरदान है, मेरी मुराद यानी फनून लतीफ़ा से इनको बहुत गहरा लगाव है। मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। उनका नाम है जनाब काशिफ नवाब साहब। ये शोबा सहाफत से भी ताल्लुक है और क्रिश्चियन तंजीम सी जैब के रूबे रवा है। हाल ही में इन्होंने बहुत काम किया सहाफत के लिए। आइए इनसे मिलते हैं। जनाब काशिफ नवाब साहब, मैं मंजूर राही अपना प्रोग्राम फन और फनकार के साथ अपने मेहमान जनाब काशिफ नवाब को खुश आमदीद कहता हूँ। जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया मंजूर राही साहब। काशिफ साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे चैनल में आए, हम अपने आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कहा कि काशिफ भाई का इंटरव्यू करें, तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, तो आपकी नवाजिश आप आए। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ। चैनल की तरफ से अपनी ज़ाती हैसियत की वजह से मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। राय साहब, ये आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत में हम खिंचे चले आए। फन के तो आप कदरदान हैं ही, बहुत कदरदान है फन के। फन के हवाले से अक्सर आप बातें आप निजी महफिलों में बैठ के भी करते हैं, लेकिन आप कैसे ये सहाफत की तरफ इंस्पायर हुए? लिखना लिखाना ये कैसे हुआ, ये जरा आप थोड़ा खुलकर हमें बताएंगे हमारे नाज़रीन को। राय साहब, रब्बे कायनात ने इंसान को अकल, शऊर और विजन दिया है ताकि वो समाज के बुनियादी चीज़ों को जान सके। वाह क्या बात। एक ताकि वो फन लतीफ़ा के साथ उसके बारे में जान सके, एक अच्छी तस्वीर देखना, अच्छी किताब पढ़ना, वाह वाह, या अच्छी गुफ्तगू करना, ये गुफ्तगू भी है जी, जी ये रब कायनात ने इंसान को अता किया। ख़ास तौर पे हम बचपन में अगर हम देखें तो हमारी माएँ जो थी हमें कहानियाँ सुनाती थी, लोरियाँ सुनाती थी, और वो कहानियाँ वो लोरियाँ आपको इतना इंस्पायर कर देती हैं कि आप हालात को, वाक़यात को उसकी नज़र से देखते हैं और एक वक्त आता है कि आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। फ़न लतीफ़ा भी जो है उसी किससे जुड़ा हुआ एक अहम शोबा है जिसके साथ इंसान सीखने को, आगे बढ़ने को उसको मौके मिलते हैं। मेरा ख़्याल है कि जो इंसान अक़ल शऊर रखता है, विजन रखता है, उसका अदब के साथ, उसका समाज की बुनियादी इकाइयों के साथ बड़ा गहरा तल्लक होता है। उस तल्लक की बुनियाद पे वो चीज़ों को आगे लेके चलता है। तो आपके प्रोग्राम को अक्सर मैं टीवी पे देखता हूँ, आपने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, मैं तो खैर उस हिसाब से बहुत छोटा हूँ, अभी सीखने के अमल में से गुजर रहा हूँ। उम्र कद की नहीं है, बात काम की है जी। आपने सहाफत में काम किया, फिर आपने सामाजिक काम बहुत किए, इसलिए आप अच्छे इंसान और बड़े इंसान। ये सारी चीज़ें इंसान की पहचान है जी राय साहब। ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला की देन है और खुदावंद करीम ने अपने लोगों से अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम करवाता है। जो थोड़ा हमें दिया हम उस पर काम कर रहे हैं और उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आप जैसे दोस्त जो हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं
और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा होती है, जज्बा पैदा होता है ताकि पढ़ के हम दूसरों की मदद कर सकें। हालांकि हमारे माशरे में दूसरों की मदद करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वॉलंटियरिज्म का, हमारे यहाँ सोशलिज्म का कुछ तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग दूसरों के दुख में सुख में शामिल हो। हमारा माशरा चूँकि अभी ज़ेर तमीर है, तो ऐसे माशरों में बहुत सारे मसाइल रहते हैं और आज भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ता है मुझे और आपको, हम सारे लोग उसी से जुड़े हुए हैं। और चूँकि आप चीज़ों को बड़े गहराई से बड़े बारीकी से देख रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं फ़नुल लतीफ़ा है, सहाफ़त है, समाज है, माशरा है और हमारे मसाइल हैं, ये उसी की आप निशानदेही करते हैं। ये इसका मतलब एहसास का ये मुरक्कब कह लिया। यस बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं तो कि फ़नुल लतीफ़ा जो है, आपके पास एहसास नहीं है, महसूसात नहीं है, तो आप तो कुछ भी नहीं। जी ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आप कभी गौर कीजिए हमारे माशरे में समाजी लोग जो होते हैं क्यों समाजी काम करते हैं, वो महसूस करते हैं लोगों के दर्द को, लोगों के दुख को, लोगों की प्रॉब्लम को। और साफ़ी जो होते हैं वो भी दर्द महसूस करते हैं, क्यों लिखते हैं, इसलिए कि वो समझता है कि यार ये जो शख्स का मसला है या किसी मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, तो मुझे इसकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। तो यकीन अपने आप खुद ब खुद कलम उठना शुरू हो जाता है, लिखना शुरू कर देता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब माँ हमें लोरियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, कहानियाँ आज भी हमारे साथ चल रही है। वही कहानी है, वही मुकम्मल सहाफ़ी जो है, कद वद उसका लबास, अहमद नदीम काश्मी कहती है कहानी एक ही है, लेकिन उसको वक्त के साथ साथ तराशते हैं, नए नए उसको नए नए पहरे में ले आते हैं, जैसे एक अफसाने को एक जदीद अफसाना कह लें, अलामती अफसाना कह लें, ऐसे कहानी वही होती है आपके पास। लेकिन जमालियात का वीन है, जमालियात का वीन हर आदमी के परख से बाहर होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राय साहब। देखिए कहानी हमारे माशरे की है, आप ड्रामा राइटर, आप ड्रामे लिखते हैं, आप भी माशरे के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को की निशानदेही कर रहे होते हैं, और वो आपके जो ड्रामे होते हैं वो यकीनन एक किसी घर की कहानी होती है। नहीं, किसी मेरी बात नहीं, हर कहानीकार, हर ड्रामा जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ कि हर जो लिखने वाला होता है साफ़ी है, वो ड्रामा नगार है, वो अफसाना नगार है, वो राइटर है, वो माशरे की है जो मसाइल होते हैं उसको कहानी की शक्ल में बयान करता है। चूँकि मैं जो लिखता हूँ मैं भी कहानियाँ लिखता हूँ, लोगों के मसाइल लिखता हूँ, हालांकि लोगों के मसाइल फ़र्क फ़र्क है, कुछ समाजी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ मजहबी हैं, कुछ घरेलू हैं, फैमिली मैटर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो कहानी किस्सा हैं। हाँ जी, दानिशवर ने कहा तो जो जमालियाती वीन रखता है एहसास लोग होते हैं, वो एहसास लोग थोड़े से तकलीफ में मुबतला रहते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, आप बड़े सेंसिटिव आदमी हैं, बड़े कर्ब से गुजरते हैं, लेकिन ये बात भी है कि वो वीन रखते हैं, जमालियाती वीन है, एहसास है, दर्द दिल है, लेकिन वो क्या ख्याल वो लंबी उम्र नहीं पाते। जी बिल्कुल, जो लोग दूसरों के मसाइल को बड़े करीब से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका दर्द में, उनके दुख में उनका साथ देने की कोशिश करते हैं, यकीनन वो लंबी उम्र पाते हैं, क्योंकि वो अपना दुख जो साझा कर रहे होते हैं, अपने गम शेयर कर रहे होते हैं, लोगों का गम ले रहे होते हैं, और यही वो जमालियात है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जमालियाती के साथ ये फ़नुल लतीफ़ा के साथ एक बात मैं भी अर्ज कर दूँ कि जो अगर फ़नुल लतीफ़ा अगर मौसीकी देख लें उसमें शायरी भी आपकी आ जाएगी, लय और साज भी आ जाएगा, और जब इंसान डिप्रेशन भी आता है, क्या ख्याल है, वो इनको सुनता है तो फिर वो इंजॉय करता है, तो जब वो इंजॉय करता है फिर वो लंबी उम्र भी पाता है। जी ऐसे ही है राय साहब, जब मैं खुद बहुत डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कोई ड्रामा देख लूँ, कोई फिल्म देख लूँ, ताकि जो डिप्रेशन है, एन्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो रिलीज़ हो। चूँकि जब तक आप म्यूज़िक नहीं सुनते, मैं कभी कभी अपना वक्त जो है बच्चों के साथ गुजारता हूँ जब डिप्रेशन में होता, इसलिए कि मैं भी बचपन में से गुजरा हूँ, मैं भी इसी तरह बड़ा हूँ, उनकी हरकत, उनकी सकनात, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत को देख के मैं अपने स्ट्रेस से, अपनी टेंशन से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाता हूँ, और ये थोड़ा वक्त तो लगता है। इसका मतलब है कि जो आप कहना चाहते हैं ये है कि फ़नून लतीफ़ा इंसान की शख्सियत, उसकी बॉडी, तभी मजाज से भी इस पर गहरा तल्लुक है। जी बहुत गहरा तल्लुक है, बहुत गहरा तल्लुक है, इंसानी सोच पे, इंसानी ख्यालात पे, इंसानी प्रॉब्लम से और डिप्रेशन पे बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप देखिए कभी आप अगर ट्रॉमाटाइज हो गए हैं या आप किसी फियर का शिकार हैं, तो आप डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं। माहिर नफ्सियात जो है वही काम कर रहा होता है जो एक मौसीकार कर रहा होता है, एक गुलकार कर रहा होता है, एक कहानी लिखने वाला कर रहा होता है, और एक जो है
वो माशरे के मसाइल की निशानदेही कराता है। हमारे नफ्सियात आपके अंदर जो डिप्रेशन है, जो फियर है, जो खौफ है, प्रॉब्लम है, उसको निकालने की कोशिश करता है। आप मैं अभी हाल ही में हमारे जड़ावाला में एक वाक्या हुआ, तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैं कोई सेकंड डे भी गया और दो तीन दिन के बाद भी गया अपनी टीम के साथ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग जो सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए थे, लोग मुश्किल में थे। और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ऐसा है, इसलिए चूँकि उन्होंने अपने घरों को जलते देखा, उन्होंने अपने स्कूल को जलते देखा, अपने सामान को जलते देखा, अपने स्कूल की बैगों को जलते देखा, ख्वातीन ने अपना अपने घर की चीज़ों को, जहेज़ को जलते देखा, तो इतने खौफ में थे कि शायद वो अभी ट्रॉमाटाइज्ड हैं और थोड़ा वक्त लगेगा कि उन्हें उस ट्रॉमे से निकलने के लिए। खौफ जो है वो समाज के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। ये खौफ जड़ावाला में भी पैदा हुआ और बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं, खौफ हैं, जो हमारे माशरे में इर्द गिर्द हैं, जिसे हम रोज़ बर्दाश्त करते हैं, रोज़ उसमें से गुजरते हैं। लेकिन जब इंसान करप और कठिन मरहल से गुजरता है, तो काशिफ भाई मेरा ख्याल है आप इत्तफाक करें या ना करें, मैं राय दे रहा हूँ, तो उसके शौर में भी पुख्तगी आती है और ज़िंदगी में भी पुख्तगी आती है, जो दो चीज़ें के साथ वो जिंदा रहता है, जैसे कि आपने जड़ावाले के हवाले से बात की। राय साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इंसान जो है वो कहते हैं ना कि सोना भट्टी में से गुजर के कुंदन बनता है, और इसी तरह इंसान जो है माशरे के मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम से गुजर के एक परफेक्ट इंसान बनता है। गो उसका वो तलीमी सफ़र है, गो उसका वो समाजी सफ़र है, गो उसका ख़ानदानी सफ़र है, इस सारे सफ़र में से गुजर के वो अपने आप को कुंदन बनाता है, फिर ही वो माशरे का एक परफेक्ट और मुकम्मल इंसान बनता है। गो किसके लिए एक लंबा सफ़र चाहिए होता है, एक लंबा अरसा लगता है, लेकिन उस अरसे में चीज़ें जो हैं उसकी मुट्ठी में आ जाती है। आपने बहुत वजाहत से फ़नून लतीफ़ा पे बात की, मुझे उम्मीद नहीं कि आप इतने फ़नून लतीफ़ा से आशना है, मुझे इल्म नहीं था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मुझे आपको सुनकर बड़ी कुछ सीखा मैंने आपसे, लाइफ के बारे में, पुख्तगी के बारे में, इंसान के मराहल के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें की। लेकिन आप अटैच रहे फ़नून लतीफ़ा के साथ, बसी की किताब पेंटिंग्स की बात की आपने, अभी बात कौसे कज़ा की बात करते हैं, ज़िंदगी में अगर जब बादल बरस जाते हैं और धनक रंग होते हैं वो निखर जाते हैं, ऐसे इंसान की शख्सियत है, जैसे इंसान रोता है। मुझे मोहम्मद मंशा याद का एक अफसाना याद आ रहा है, कालक, उसे अगर देगची को ले, उस पर जब कालक लग जाती है तो जब इंसान रोता है तो ऐसे इंसान रोता है तो उसको सफाई भी हो जाती है। इंसान का रोना हंसना ये ज़िंदगी का लाजम मलजूम चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं, यही हमारी ज़िंदगी, यही ज़िंदगी, ये ज़िंदगी है। तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, आप बताएं आप इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की आपने? जी मैंने बेसिकली मेरा तल्लुक जो था, मेरी जो पैदाइश थी वो पंजाब के जनूबी पंजाब के एक बैकवर्ड ज़िले से थी, ज़िला भावनगर से, क्योंकि मेरे वालद साहब वहाँ पे डिस्पेंसर थे और मेरी माँ जो थी वो नर्स थी। लेकिन 1990 में हम लोग लाहौर में शिफ्ट हुए, तो उस वक्त तो मैंने बुनियादी तलीम जो है लाहौर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से की, और उसके बाद फिर मुझे कॉलेज जाने का मौका मिला, वहाँ से पढ़ा। गो के बहुत सारी मुश्किल में से गुजर के मैंने अपनी तलीमी सफ़र का मुकम्मल किया, और लाहौर में फिर मैंने मुख्तलिफ अदारों के साथ, इंटरनेशनल अदारों के साथ बींग ए एक्टिविस्ट काम किया, और एक लंबा अरसा मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। पिछले चंद सालों से मेरे कुछ दोस्त थे साफ़ी, जिनसे मेरी अक्सर रफाकत रहती थी, कुर्बत रहती थी, तो मैं उन्हें कहा करता था कि यार आप मिनॉरिटी के मसाइल पर लिखें, हमारा फ़लाँ मसला है, हमारा फ़लाँ मसला है। तो जो न्यूज़ दी न्यूज़ के जो एडिटर थे, सब एडिटर जनाब शहजादा इरफान साहब, मैंने कोट करना नहीं भूलूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम क्यों खुद को नहीं लिखते। आप CGAP का ख्याल कैसे आया, इसी के हवाले में साथ ये भी बता दें। मैं राय साहब बताना चाह रहा था कि वो शहजादा इरफान साहब मुझे कहते हैं कि यार काशिफ तुम रोज़ मुझे कह देते हो कि ये मसला इस पर लिख दो, इस पर लिख दो, तुम क्यों खुद क्यों नहीं लिखते, तुम्हारी ज़्यादा ग्रिप बेहतर है लिखने पर, तुम ज़्यादा बेहतर मसाइल को समझते हो। तो फिर मैंने कुछ मिनॉरिटीज़ के इशू पर स्टोरीज़ लिखना शुरू की, आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, जो दी न्यूज़ में और मुख्तलिफ इंटरनेशनल लोकल अखबारों में छपे थे। और उसके बाद फिर चूँकि मैं इंटरनेशनली, मुझे सहाफ़ियों की कुछ कॉन्फ्रेंस पे जाने का मौका मिला। किस किस जगह गए जी? क्रिश्चियन सहाफ़ियों के दौर में मुझे बुलाया गया कि आप मिनॉरिटी की तरफ से आप प्रजेंट करें। तो जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ बड़े कम सहाफ़ी हैं,
जो अखबारों के साथ मुंसलिक है, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मुंसलिक है। तो फिर मैंने आई फील दैट कि 2019 में एक तरफ तो कोरोना था 20 के शुरू में, और कोरोना की वजह से बड़े बुरे हालात थे, मीडिया हाउसेस बंद हो रहे थे, कारोबार नहीं था, सहाफ़ियों के पास रोज़गार नहीं थे। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो पेशावर के जो बिशप हैं, बिशप हैम्फ्री सरफराज पीटर साहब, उनसे मेरी अक्सर गह बगाए मुलाकात होती, फ़ोन पर टेलीफोनिक गुफ्तगू होती। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कहा बिशप साहब पाकिस्तान के सहाफ़ियों के हालात बड़े बुरे हैं, क्रिश्चन सहाफ़ियों को तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हाँ यार फ़ौरन करें इस पर काम। हमने उस पर फ़ौरन से कुछ 50-60 सहाफ़ियों को फ़ौरन एक छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट जो थी कैश की सूरत में उनको दी, और फिर हमने फूड पैकेजेस थे वो किए, कोरोना के दिनों में बड़े बुरे हालात थे। और इसके साथ साथ फिर आई फील दैट कि हमें कुछ मजीद काम करने की ज़रूरत है। तो फिर हमने सी जैप का इनिशिएटिव लिया, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट। माफ़ी इसी तरफ आ रहा हूँ, मसीह सहाफ़ियों के बारे में क्या सोचा? अभी आप सी पैक बात कर रहे थे, इनके हक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या इरादा है आपका? भाई साहब हमने जो सी जैप बनाने का बुनियादी मकसद यही था कि जो क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इसमें पूरे पाकिस्तान से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग सहाफ़ी काम करते हैं, वो जंग से हैं, ख़बरें से हैं, नवाए वक्त से, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से, उनको इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म पर और उनके मसाइल की निशानदेही की जा सके, उनके हकूक़ की बात की जा सके, और ख़ास तौर पर उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से काम किया। ये बड़ा अहम काम था। एक मुझे बार सवाल याद आ गया, आप जरा ये बताएं कि क्या मसीह सहाफ़ियों और उनके टेक्निकल महारतों के बारे में कोई आप कोई लायबल तैयार किया? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ जा रहा था राई साहब के हमारा सी जैप का बुनियादी मकसद जो था कि वो मसीह सहाफ़ियों को टेक्निकल ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है की जाए, ताकि वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ और नेशनल मीडिया के साथ बेहतर तरीके से काम कर सके। गो के हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनली और नेशनली काम किया, लर्न किया, और वो एक बड़ा नाम पाकिस्तान में है, लेकिन हमें मज़ीद सहाफ़ी पैदा करने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, हमारे पास लिखने वाले बड़े कम लोग हैं सहाफ़त के अंदर, अखबारों के अंदर हमें बहुत चीदा चीदा लोग मिलते हैं जो लिखते हैं, वो उर्दू मीडिया में है या अंग्रेज़ी मीडिया, अंग्रेज़ी मीडिया में तो थोड़े बहुत हैं लेकिन उर्दू मीडिया में हमें बहुत कम नज़र आते हैं जो मेन स्ट्रीम अखबारों में लिखते हैं। हालांकि बहुत सारे रसालों में या डेली में या उस तरह के अखबारों में लिखने वाले मौजूद हैं, लेकिन कहानियाँ लिखने वाले, स्टोरीज़ करने वाले हमारे पास काफ़ी कम है। हम समझते हैं कि माशरे के मसाइल की निशानदेही उनकी ज़बानी उनकी कहानियों में होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर सी जैब जो है उनके राइट्स पर काम करता है, कहीं उनका मसला है तो उसके हकूक़ के बाद बात करता है, सी जैप उनकी ट्रेनिंग करता है। पिछले दिनों हमने जो डोंगा गली में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, वो उसी का एक हिस्सा था कि हमने पूरे पाकिस्तान से हमने गूगल फॉर्म के ज़रिए एक रिक्वेस्ट भेजी, उसमें कोई 50 के करीब पाकिस्तान भर से सहाफ़ियों ने अप्लाई किया। तो फिर हमारी जो सिक्योरिटी कमेटी थी उन्होंने उसमें से तकरीबन 35 सहाफ़ियों को सेलेक्ट किया, उनको हमने डोंगा गली में बुलाया, 4-5 दिन हमारे मेहमान रहे, हमने उनको सिखाया। उसमें हमारे पास अच्छे अच्छे ट्रेनर्स जो हमने पाकिस्तान के मशहूर नाम हैं जैसे एजाज सैयद साहब हैं, आफ्ताब आलम साहब हैं, और एफसी कॉलेज से हमने एक ट्रेनर को हायर किया जिन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग दी। और बुनियादी मकसद यही था कि हम सहाफ़ियों के काम में जिद्दत पैदा कर सकें और ये भी बता सकें कि दुनिया में नए मसाइल क्या हैं। आप देखिए इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मसला है, हमने इन्वायरमेंट पर बात की, हम समझते हैं कि जो सेंसिटिव इशूज़ पर रिपोर्टिंग है, आप हमारे यहाँ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ख़बर की तहकीक किए बगैर ख़बर को डाल देते हैं, और उससे होता क्या कि माशरे में अफरा तफरी पैदा हो जाती है, माशरे में लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या होने जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हमने हमारी जो सहाफ़त की हम बात करें कि हमने वहाँ पर सेंसिटिव इशूज़ पर रिपोर्टिंग और उस पर जर्नलिज़म की बात की, हम ये भी चाहते हैं कि कोई सहाफ़ी खबर ऐसी खबर ना दे कि जिससे खुद खबर बन जाए, उसको खबर देनी है। आपसे ये कर रहा हूँ कि आपने बहुत मेहनत की और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू और सोच में बड़े रजाई जज्बे नज़र आते हैं तो कुछ करना चाहिए। इस रजाई जज्बों की खुशबू में हर शख्स आपको पुरसकून तो नज़र नहीं आता, आप क्या देना चाहते हैं? आपके जज्बे तो बहुत अच्छे हैं, अपनी तरफ से आप क्या देना चाहते हैं? देखिए राय साहब, हमारा जो काम है बुनियादी तौर पे वो माशरे के लोगों की सलाह है, और एक ऐसा माशरे की तख्लीक हम करने जा रहे हैं जहाँ पे पीसफुल माशरा हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे से प्यार करें, लोग एक दूसरे की बात का एहतराम करें, लोग एक दूसरे की बात को समझें। चूँकि हमारा एक मल्टी कल्चर है जहाँ पर बहुत सारे मज़ाहब रहते हैं, हमें
अपने मजाहब में मजाहब में रहते हुए दूसरे मजाहब के एहतराम को सिखाना है, दूसरे मजाहब के लोगों से प्यार करना सिखाना है। और हम उसी एक स्ट्रगल में हैं बींग ए सहाफ़ी, हम उन मसाइल को प्यार से, पीस से, मोहब्बत से हल कर सकें और आगे बढ़ सकें। खुदा करे आपने अपने कंधों पे बहुत सा बोझ रखा हुआ है, या कभी थकावट महसूस की है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल जो है बड़ा रेलिवेंट सवाल है। जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर लोगों का, दोस्तों का, काम का, फैमिली का रहता है, और इस प्रेशर को मैं कोशिश करता हूँ मेंटेन करूँ। कभी कभी ज़्यादा प्रेशर होता है तो मैंने पहले बताया कि मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ, या फिर दोस्तों से गुफ्तगू कर लेता हूँ ताकि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ। तो ये प्रेशर तो रहेगा जब तक काम करते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, रिलैक्स हो गया। बहुत बड़ी बात है, हम बड़े खुश हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत सी इकाइयों को लेके चल रहे हैं, और माशरे की तश्कील भी इसी में है कि तमाम इकाइयों को लेके चले आप, तमाम शायरों को, आर्टिस्टों को, उनमें घुले मिले रहते हैं। यही आपकी ज़िंदगी का सफ़र है, यही आपको खुदा लंबी ज़िंदगी अता करे। तो ये कुछ छोटा काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, खुदा आपको वक्त दे। और किस वक्त आप बैठते हैं लिखने के लिए, क्या मुतहरकात होती है जब आप लिखना शुरू करते हैं, कलम को थामते हैं कि यार आज आप ये लिखना, आज ये शुरू हुआ, या मुझे ये इंस्पायर हुआ हम इस बात से, ये ज़रा बता दें। देखिए राय साहब, जब हम अक्सर अवकात सोशल मीडिया पे, टीवी पे कोई ऐसी बर्निंग इशू को देखते हैं जो माशरे के वनरेबल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो फिर दिल करता है कि इस पर लिखा जाए। फिर एक सोच पैदा होती है, फिर वो जो दिमाग का कीड़ा है ना, वो तंग करता है कि कुछ किया जाए, बात नहीं की जाए। आप तो दर्द दिल एहसास तो है, आपने वो भी बात की, इसके बगैर तो इंसान लिख नहीं सकता। जी बिल्कुल, ऐसी है, ऐसी है, हमें 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 सोचना पड़ता है। तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं लिखना शुरू कर देता हूँ और वो कहीं ना कहीं बात चली जाती है। अक्सर अवकात जो अखबारात के एडिटर्स हैं वो मुझे मुख्तलिफ स्टोरीज साइन करते हैं, जैसे कोई बर्निंग इशू है, जैसे जड़ा वाला इशू है, इस पर मैं कह देंगे आप स्टोरीज़ कर दें, या कोई और इशू है पाकिस्तान में माइनॉरिटी का है, या ख़वातीन के हवाले से, या इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो वो यकीनन वो हमें इस पर भेजते हैं अपनी अपना टॉपिक, और उस पर फिर हम लिख देते हैं। लेकिन मसला ये है कि लिखना जो है दिल से पड़ता है, सोच से पड़ता है, और उस लिखने में मुझे बहुत सारे लोगों से रابطे भी करने पड़ते हैं, कभी सरकार के लोगों से, कभी कम्युनिटी के लोगों से, कभी स्टेक होल्डर से, और सबकी राय को लेके फिर ही आगे बढ़ना पड़ता है। वाह वाह, अब आप ये बताएं कि आपके मजामीन या स्टोरी ज़्यादातर बाहर के ममालिक में छपते हैं, क्या यहाँ के पाकिस्तानी अखबार भी छापते हैं? जराइद या रसाले की बात बात भी करूँ? देखिए बहुत सारी स्टोरीज़ जो मेरी ये पाकिस्तान में छपती हैं, जैसे दी न्यूज़ है, पाकिस्तान टुडे है, या आईबीसी है, बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जहाँ पे मेरी स्टोरीज़ छपती हैं। और इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज़ जो मेरी इंटरनेशनल छपती हैं, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में मैं चूँकि फ्री लांसर हूँ तो मुझे लोग पे करते हैं स्टोरीज़ का, तो फिर वो पेमेंट का भी इशू होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पेमेंट जो है अखबार जो हैं वो चूँकि खुद आजकल उनके हालात बुरे हैं बहुत सारे मीडिया हाउसेस के, तो उस तरह पे नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल अखबार जो हैं वो ज़्यादा छपे कर देते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जो मीडिया है, शायद इनके लिए चूँकि मैं लिखता हूँ माइनॉरिटीज़ के इशूज़ पर, ख़वातीन और बच्चों, ट्रांसजेंडर्स के मसाइल पर, और ये जो इशूज़ हैं ये पाकिस्तानी अखबार के लिए अहम नहीं है, इनके इनके लिए स्टोरीज छपती रहती है पाकिस्तानी अखबार जी, छपती हैं जी, बिल्कुल छपती हैं। और पाकिस्तानी अखबार के लिए अहम जो है वो शो है, बिजनेस है, सियासत है, मज़हब है, या इस तरह से कोई स्पोर्ट्स है, इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम चूँकि मैं इंटरनेशनल मीडिया में, इसलिए मुझे स्पेस मिल जाती है, चूँकि जो बर्निंग इशूज़ हैं वो पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं छप जाते हैं और उनको इस पर लिखने की ज़रूरत होती है। मुझे याद आया आप ज़्यादातर बर्निंग इशू पर लिखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो उसका मसला यही ना कि देखिए आप अगर गौर से देखें तो आप ख़वातीन के मसाइल को देखें, आप ट्रांसजेंडर्स को देखें, आप बच्चों के मसाइल, बच्चे वनरेबल हैं, माशरे डिमांड होती है, या आपने आप इंस्पायर होते हैं, तहरीक होती है कि मैं बर्निंग शुरू हुआ, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैं इस पर लिखूँ? अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो राय साहब अखबार के एडिटर की जो पॉलिसी होती है अखबार की, उसके मुताबिक अखबार आपको भेज देता है कि जी आप इस वाले इशू पर लिख दें। कभी कभी आप खुद एक पिच भेज देते हैं, एक लिख के आइडिया समरी के पाकिस्तान में ये मसला था, या हमारे ये मसला है फलां जगह का, फलां शहर का, तो उस पर फिर वो एडिटर जो आपको स्टोरी साइन कर देता है कि आप इस पर स्टोरीज़ लिखें,
मतलब आप कहानी लिखे उस पर, तो फिर कहानी वो लिख देते हैं, फिर उस पर वो कहानी एडिट होती है, फिर वो छपती है, तो वो जिस अखबार के लिए अहम होती है वो उसी के हिसाब से उसको लिखवाता है। कश भाई, आप सहाफत में किस किस शख्सियत से मुतासर है? देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे नाम हैं जिनसे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, जिनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है। अगर आप बात करें तो बड़े बड़े मुख्तसर से नाम बता लें, नाम तो जी बड़े जी बहुत है। मेरे जो दोस्तों में से हैं वो जाज सैद साहब हैं, सबूक सैद साहब हैं, आसमा शराजी हैं, और डॉक्टर सादिया कमाल साहब हैं, शहजादा इरफान साहब हैं, ये मेरे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, दोस्त भी हैं, इनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है। बल्कि बदर आलम साहब जो मेरे उस्तादों में से हैं, ग़ुलाम दस्तगीर साहब, और ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा नाम कमाया है, और जो मौजूदा हालात में वो एक बड़ी अच्छी सहाफ़त करते हैं, और उनकी सहाफ़ी रिपोर्टें जो हैं पाकिस्तान में दुनिया में सराही जाती हैं और उनको ऑथेंटिक माना जाता है, और इन्हीं से मुझे सीखने का मौका मिलता है और इन्हीं से मेरी रफाकत रहती है। अब आप ये बताएं कि आपने सी जैप वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिल से आप ये काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं काशिफ भाई, तो इसकी तश्कील नौ कब तक कर रहे हैं? देखिए राय साहब, आप मेरे ख्याल तश्कील नौ से आपकी मुराद है कि कोई इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। हाँ। जी राय साहब, हम कुछ पिछले 3 साल से सी जैप जो है वो सहाफ़ियों के हकूक पर काम कर रहा है, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल सहाफ़ी दोस्त मिले जिनको इसका हिस्सा बनाया जाए। मेरे जो सीनियर दोस्त आशर जान साहब या इमानुल सफराज साहब या दूसरे ताहिर विकी और बहुत सारे सीनियर दोस्तों में से अक्सर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इस सारे प्रोसेस में से, सारे काम में से हमें कोई ऐसे दोस्त मिले जो प्रोफेशनल हों, जो काम को समझते हैं और सी जैप को आगे लेके चले। चूँकि ज़ाहिर बात है सी जैप हमने बनाया है, हमारा पौधा है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जाने के बाद हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो इस बात को समझते हों, जो इस काम को समझते हों और एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर पे इसको आगे लेके चले। इसका मतलब तश्कील नौ आप देने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो उसके अंदर चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, फाइनलाइज की हुई हैं। फिर तो अच्छी बात है। तो आप ये बता दें कि पाकिस्तान में पारे क्रिश्चियन शायर दीपू का वक्त बहुत कम है, आपसे बहुत सी बातें मैंने सीखनी थी, हमारे कारीन को देनी थी, लेकिन कुछ वक्त कम है तो जल्दी जल्दी चल छोड़। जी देखिए, शायरों में तो प्रवीण शाकिर साहब हैं मेरे, मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर विक्टोरिया पैट्रिक है, नज़ीर कैसर साहब एक बड़ा नाम है जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, जिन्हें मैं हमेशा उनको बड़ी इज्जत इत्राम से देखता हूँ, और बहुत सारे साफ़ी हैं जो मैं अगर नाम लूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अदीबों की शायरों की बात कर दें, टाइम ज़रा थोड़ा तो क्रिश्चियन शायरों अदीबों की बात हो जाए, और साथ ये भी बता दें किस किस गुलूकार मौसीकार से आप पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर? जी हाँ, मेरे लिए जी फतेह नसरुल्लाह खान साहब जो हैं उनको मैं बड़े करीब से सुनता हूँ, फिर इंडिया सलता जी हैं, फिर जगजीत सिंह साहब हैं उनके गाने जो हैं, फिर मेहदी हसन साहब बहुत अच्छा गाते हैं, ग़ुलाम बाद साहब थे वो, और इस तरह शायरों की आप बात करें तो मैंने उसमें से 2-4 नाम आपको आपने बताया, नासिर काज़मी। जी मैं नासिर काज़मी साहब, बाबा नजमी की आप अक्सर पंजाबी? हाँ, पंजाबी पंजाबी में बाबा नजमी से, और वो चले गए हैं हमारे क्रिश्चियन जो थे मोहतरम बाबा नजमी हैं, तालिब नुसरानी साहब हैं, इनसे, और आप बड़े आदमी हैं जो कि आप ड्रामा लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, तो मैंने आपके भी मुझे शर्फ मिला है, मुझे शर्फ मिला आपके अफसाना पढ़ने का, और बहुत सारी किताबें जो हैं उनको कभी कभार खोल के उनके सफ़ों को देखने का मौका मिलने वाले हैं। हमारे में बहुत क्रिश्चियन अच्छा लिखते हैं, तमाम मुझसे सब अच्छा लिखते हैं, और काशिफ भाई बहुत सी बातें रही है, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे टाइम लेके बातें करेंगे और कुछ अपने नाज़रीन को अपने कारीन को देखने का मौका मिलेगा। आपने बहुत टाइम दिया, बस थोड़ी सी बातें रह गई, या फिर कभी पाकिस्तान में बहुत लिखा जा रहा है अदब के हवाले से, सहाफत के हवाले से, लेकिन आपने काफ़ी नई नई बातें बताई और अपनी ज़िंदगी के हालात, ज़िंदगी के साथ साथ आपने फ़नून लतीफ़ा को भी टाइच रखा, जिससे मेरे प्रोग्राम में कोई सी मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिला, और थोड़ी सी मैंने ये कोशिश की कि फ़न और फनकार होने के नाते से मैं एक सहाफ़ी से बात भी कर लूँ, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जी राय साहब, आपका और नेशनल चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मधु किया ताकि हम बैठ के आज आपके साथ आपकी मिलके हम कोई गुफ्तगू कर सकें। थैंक यू सो मच आपका और नेशनल न्यूज़ का। थैंक यू काशिफ भाई, खुदा हाफिज़।